हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक इज कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट इज सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। देखिए, एक कोई कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, आपको प्रूव करना है कि इनके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एंगल फोर, आपको प्रूव करना है इन सब एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। मतलब यू हैव टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए करते क्या है इसके लिए, आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप इसको जॉइन कर देंगे बाय कंस्ट्रक्शन जॉइन डीपी। मतलब आप एक डायगोनल बनाएंगे और डी और बी को आप जॉइन कर देंगे। अब आपके सामने दो ट्राइंगल आ गए, एक ट्राइंगल आपके सामने आ गया ए बी डी और एक ट्राइंगल आपके सामने आ गया डी बी सी। फिर आप लिखेंगे एंगल ए इन ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए equals to 180 degree। आपको पता है sum of the angles of a triangle is 180 degree। In triangle DCB we have angle C plus angle BDC plus angle DBC equals to 180 degree। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। और आपके पास ये सम प्रूफ हो गया कि आपके कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एग्जाम में क्या करना, प्लीज एंगल ए लिखना फिर एंगल सी लिखना। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी उनको साथ में लेके लिखिएगा, इन दोनों को कंबाइन करके बताइएगा ये एंगल बी बना और इन दोनों को कंबाइन करके बताइएगा ये एंगल आपका डी बना। और फिर आपके इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा कि इनके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन में आप इस थ्योरम को कभी भी अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको जरूरत पड़े। सिंपल सी बात है, आपकी दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का सम 180, इसका 180 और इसको आपने प्रूफ करा। सपोज करिए क्वेश्चन आपके पास आया होता एक एंगल 90 है कोऑर्डिनेटर का, एक एंगल 108 है, एक एंगल 92 है, तो फोर्थ एंगल बताइए। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, आपको तीन एंगल दे रखे हैं, चौथा एंगल पूछा है। आपको पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री, तो लिखिए 360 माइनस 90 प्लस 108 प्लस 92, 360 माइनस आपके पास आ गए 290 और इनको माइनस कर दो आपके पास आ गए 70 डिग्री। मतलब ये फोर्थ एंगल होगा ये कितने का होगा, ये फोर्थ एंगल आपका 70 डिग्री का होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द साइड्स BA एंड DC आर प्रोड्यूस, इनको प्रोड्यूस करा गया। अब आपको प्रूव करना है ये कोऑर्डिनेटर x plus y बराबर है b plus a के। अब देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखना बस देखना है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार आता है, बहुत स्कूल्स के पेपर्स में बहुत बार आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से लिखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका x एंगल है और ये आपके पास y एंगल है। आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे इस केस के अंदर, आप इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। अब इसको नाम दे दीजिए, चाहे तो नाम दे दीजिए, चाहे तो लिखिएगा एग्जाम में ADB एंगल और DB DBA एंगल, ऐसे लिख लीजिएगा, या इसको आप नाम दे दीजिए ये 1 एंगल, ये आपका 2 एंगल, ये आपका 3 एंगल और ये आपका 4 एंगल। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAB इन ट्राइंगल डी ए बी वी है, देखिए
आपने पढ़ा वैसे सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, आपने पढ़ा था ना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो उसी थ्योरम को यूज कर रहे हैं। सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया एंगल बी के बराबर। आप चाहे तो लिखिए एग्जाम में एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल बी, और चाहे तो ज्यादा अच्छा लिखिए एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इक्वल्स टू एंगल बी। सिमिलर लिखेंगे, देखिए एंगल इन ट्राइंगल डी सी बी वही थ्योरम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, और लिखेंगे एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल सी। अभी आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लिखेंगे देखिए एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके देखिए एंगल 1 ये ना और एंगल 4 ये ना, ये दोनों मिलके क्या बन गए एंगल y, ये दोनों मिलके क्या बन गए एंगल x, और इनका सम आपको कितना प्रूफ हो गया एंगल b प्लस एंगल c। काफी सिंपल क्वेश्चन था, पेपर से बहुत आपका लॉजिक याद रखिएगा। दो ट्राइंगल देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए दो ट्राइंगल देखिए, इसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इसका एक्सटीरियर एंगल यहां दे रखा है, ओके। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इसको लिखना। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है और आपको कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल ओ पर आके मिलते हैं, इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर एंगल ओ पर आके मिलते हैं। आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों के एंगल वैसे जहां मिलते हैं वो हाफ है एंगल सी प्लस एंगल डी का। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं, आपको जैसा गिवन है एंगल ए का बाइसेक्टर ये रहा, एंगल बी का बाइसेक्टर ये रहा, तो आप देखिए इसको नाम दे देते हैं, ये दोनों एंगल वन हो गए, भाई एंगल बाइसेक्टर है एओ तो मतलब ये दोनों बराबर बराबर होंगे, और ये गिवन है ये दोनों बराबर है, ये 2:2 हो गए आपके पास, या इसको कहिए ये हाफ ए है और इसको कहिए ये हाफ बी है, एक ही बात है। अब देखिए देखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी वी हैव एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल ओ, इन ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो लिखिए एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए आपको एंगल ए ओ बी चाहिए, किसकी टर्म में चाहिए सी और डी की टर्म में चाहिए। अब लॉजिक कहां लग रहा है, लॉजिक ये लग रहा है कि भाई पूरे कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो लिखेंगे देखिए पहले इसको लिखते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो गया, अभी एंगल ए ओ बी आ गया 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2, ये आप इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए एलसीएम लेके आपने इसको अरेंज कर दिया, तो एंगल 180 एंगल ए ओ बी आ गया आपके पास 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन 2। अब देखिए इसको अरेंज करते हैं, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी इसको अपन इसकी टर्म में लिखते हैं तो ये उधर आ जाएगा 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, भाई ये इसको यहीं रख लीजिए और इन दोनों को उठा के आप उधर ले जाइए, तो आपका आ गया 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इस सेकंड इक्वेशन को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस
अब एंगल ए प्लस बी कितना है 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी अपॉन टू। आपने देखिए ए प्लस बी की जगह इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। ये माइनस हो जाएगा प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 360 अपॉन 2 कितना हो गया 180। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इससे 180 हो जाएगा, ये प्लस का 180 और माइनस का 180 कट जाएगा, बचेगा कितना एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल डी अपॉन 2। और ये आपको यही प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी क्या है, एंगल सी प्लस एंगल डी का हाफ है। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आपको कह रहा है एबीसीडी एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये बीसी प्रोड्यूस हुआ वहां पे आके मिला, और एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर ये ना, और डी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ए बी प्रोड्यूस होके जहां आया वो क्यू पे आके मिला। आपको प्रूफ ये करना है एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी आपका देखिए ये एंगल पी हो गया आपका, और ये आपका एंगल क्यू हो गया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू is equals to half angle A B C plus angle A B C। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो है angle B plus Q equals to half angle A B C plus angle A B C। ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहला ट्रायंगल देखिए पी बी सी, एक ट्रायंगल आपको और दिख रहा है ए क्यू डी, और आपको पता है कि इन सब एंगल्स का सम 360 होता है, कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इन ट्रायंगल ए इसे सारे थे ए क्यू डी, इन ट्रायंगल ए क्यू डी भी है एंगल ए, उसको एंगल ए दे देते नाम एंगल ए प्लस एंगल क्यू, ये आपका क्या हो गया हाफ डी। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल डी अपॉन टू, इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो आपने लिखा इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन ट्राइंगल पी बी सी we have in triangle P B C we have angle P plus angle C plus angle ये आपका क्या हो गया B upon 2, क्योंकि ये आपका क्या है angle bisector है, plus angle B upon 2 sorry ये 180 आएगा, फिर triangle की सम triangle के angle से 180 होता है तो ये 180 आएगा, और ये भी आपका 180 आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया था, फिर से आ गया एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। और जैसा आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल।
इक्वल्स टू 360, कोऑर्डिनेट के सारे एंगल्स का सम 360 होता है। तो इस 360 की जगह आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, थर्ड जो इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन में आप ये फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू लाके पुट कर रहे हैं, या कह लीजिए इन दोनों इक्वेशंस को आप बराबर कर रहे हैं, भाई दोनों बराबर है दूसरे के। तो लिख रहे हैं आप एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर कट जाएगी, एंगल ए और एंगल ए कट गया, एंगल सी और एंगल सी कट गया, ये प्लस का डी बाई टू उधर आके माइनस का डी बाई टू हो जाएगा, और एंगल बी में से एंगल डी बाई टू जाएगा तो क्या बचेगा, डी बाई टू बचेगा। एंगल बी में से एंगल बी बाई टू जाएगा तो क्या बचेगा, बी बाई टू बचेगा। तो आप इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे और आप इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू हाफ एंगल डी बाई टू प्लस एंगल सी बाय टू, सॉरी बी बाय टू। देखिए डी बाय टू बचा और ये आपका बी बाय टू बचा, आपने हाफ बाहर लगा लिया। एंगल डी क्या है, एंगल डी क्या है, ए डी सी, और एंगल बी क्या है, ए बी सी, और ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए एंगल डी क्या है, ये तो है, और एंगल बी क्या है, ये है, तो आपका ये वाली चीज प्रूफ हो गई।